भारत के समझाने और चेताने का भी पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ा। धोखेबाजी का खंजर घोंपते हुए आज पाक हाई कमिश्नर ने एक एक कर तीन हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की। अलगाववादी नेताओं से बैठक को लेकर ही कल भारत ने विदेश सचिवों की वार्ता रद्द कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान आज भी हिमाकत से बाज नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के वक्त की तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए, मोदी से मुलाकात हुई, बात हुई और फिर दोनों ने साथ मिलकर आगे चलने का फैसला किया। लेकिन तीन महीने के भीतर ही रास्ते अलग हो गए। बीच में हुर्रियत जो आ गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत 25 अगस्त को इस्लामाबाद में होनी थी। उस बातचीत को एक सार्थक मंजिल तक पहुंचाने के लिए ना पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हुक्मरानों ने सीज फायर का सवाल उठाया, ना अपने जवानों के कत्ल का। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भी पाकिस्तान का सवाल नहीं छेड़ा। पाकिस्तान ने सुधरते रिश्ते की अहमियत की जड़ में अलगाव का मट्ठा डाल दिया। भारत की कड़ी चेतावनी और सचिव स्तर की बातचीत रोके जाने के बावजूद पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बाशित ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि दोनों देशों की बातचीत के बीच तीसरा आया तो संवाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। दरअसल 25 अगस्त को भारत के साथ सचिव स्तर की बातचीत में पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को तूल देने की फिराक में था और पहले हुर्रियत नेताओं से उनकी राय पूछ लेना चाहता था, लेकिन भारत को पाकिस्तान का यह कदम नागवार गुजरा। भारतीय विदेश सचिव ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को हुर्रियत नेताओं के साथ मुलाकात रोकने को कहा, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो मोदी सरकार ने तय कर लिया कि बातचीत का कोई मतलब नहीं है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान द्वारा कई स्थानों पर जानबूझ के सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर जो ताकतें हैं वो रिश्ते सामान्य हों को नहीं चाहते। जब बात दो देशों के बीच की हो तो तीसरे की कोई जरूरत होनी ही क्यों चाहिए। मोदी सरकार अपने इसी स्टैंड के साथ खड़ी है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि इस सरकार से हालात हैंडल होते क्यों नहीं। एक संगठन है, अलगाववादी है, वो अपनी बात रखते हैं, वो बात अलग है। जहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है, भारत देश का प्रश्न है, हमने इनको कभी स्वीकार नहीं किया, वी हैव नेवर एक्सेप्टेड। सोमवार को भारत सरकार ने मना किया कि हुर्रियत को बीच में मत लाओ, लेकिन पाकिस्तानी उच्चायोग नहीं माना। मंगलवार को हुर्रियत और दूसरे अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात भी कर ली, लेकिन सवाल यही है कि हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता को चुनौती देने वालों से बात करके पाकिस्तान कौन सा पैगाम देना चाहता है। आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में पाकिस्तान परंपराओं का हवाला देता है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि इससे पहले भी कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मुलाकात होती रही है भारत पाक द्विपक्षीय वार्ता से पहले। लेकिन परंपरा तो ये भी है कि जिस देश में एक उच्चायुक्त नियुक्त है वो उस देश के कानून का पालन करेगा, उस देश के जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करेगा, वरना उस देश के पास कई और विकल्प बचते हैं। पाकिस्तान की जो धोखेबाजी है, भारत के सामने सख्त फैसलों के कई विकल्प हैं। विदेश सचिवों की बातचीत पहले ही रद्द हो चुकी है। भारत के निर्देश के बावजूद पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने अगर मुलाकातें की हैं तो उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है। अभी तो 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर सरकार की गाड़ी 250 कोस पर ही अटक गई। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से दोस्ती चाहते तो जरूर है, लेकिन सम्मान की कुर्बानी देकर नहीं। पाकिस्तान ने तो साफ कर दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन साथ ही साथ मोदी सरकार के सामने एक चुनौती भी उछाल दी है। विरोध के बावजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की तो अब सरकार क्या कर सकती है।
क्या पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को वापस पाकिस्तान भेज सकती है? क्या दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला लंबे समय तक बंद हो सकता है? क्या दोनों देशों के बीच बस सेवा पर इसका असर पड़ सकता है? क्या सार्क देशों को एकजुट करने की मोदी की मुहिम अधर में पड़ सकती है? लेकिन अब जबकि ये मुजाकरात मंसूख हो गए हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिन लोगों ने, चाहे वो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंद हों, जिनके भी दबाव में आके मोदी जी ने ये मुजाकरात रुकवाने का हुक्म दिया है, अगर उन्होंने हुक्म दिया है, तो उसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीने की, एक दो माह की ताखीर हो सकती है। मुजाकरात तो दोबारा शुरू करने पड़ेंगे। आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है कि जब पाकिस्तान हर उस हरकत को अंजाम दे रहा है जिसे पहले करता था, तो मोदी सरकार चुप क्यों रह गई? साथ ही इन समस्याओं से निपटने के लिए उसके पास रोड मैप क्या है? आज तक ब्यूरो। ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार अब करती क्या है, क्योंकि पहले दिन दोपहर में फोन गया भारत की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने मुलाकात की। आज फिर उन्होंने अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की, तो भारत को अपनी तरफ से कोई कड़ा संदेश देना जरूर होगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि 24 घंटे में आखिर ऐसा हुआ क्या कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत पर आमादा है। सोमवार को शब्बीर शाह मिले तो मंगलवार को सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से हुर्रियत के नेताओं की मुलाकात भारत पाकिस्तान के रिश्तों में आई नरमी पर एक ऐसा हमला है जिसमें डर है कि कहीं रिश्तों की सारी उम्मीद ही तहस नहस न हो जाए। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया पाकिस्तान उच्चायोग के सामने। दरअसल सोमवार की शाम 4 बजे हुर्रियत नेता शब्बीर शाह सरकार के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से मिलने पहुंचे। पाकिस्तान के उच्चायुक्त के न्योते पर शब्बीर शाह की ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान को बता दिया था कि जब दोनों देश रिश्ते सुधारने की तरफ बढ़ चले हैं, तब पाकिस्तानी उच्चायुक्त का हुर्रियत नेताओं से मिलना ठीक नहीं। सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे भारत की विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद को फोन कर मुलाकात को तुरंत रोकने को कहा, लेकिन इस चेतावनी का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं हुआ। भारत सरकार के विरोध के बावजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित और हुर्रियत नेता शब्बीर शाह की मुलाकात हुई। उल्टे अपनी करनी को सही ठहराते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। इसमें कहा गया कि पाक विदेश मंत्रालय का बयान, हुर्रियत नेताओं से मुलाकात पहले भी होती रही है ताकि कश्मीर की समस्या पर ठीक से विचार हो सके। भारत से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिशों को इससे गहरा झटका लगेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शांति और विकास का इरादा रखते हैं। सचिव स्तर की बैठक दोनों प्रधानमंत्रियों के दिशा निर्देश के बाद तय की गई थी। कमाल देखिए कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की जुबान ही हुर्रियत के नेता भी बोलते रहे हैं। दलील और अपील अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपनी सीमा से भारत में चल रही घुसपैठ और युद्ध विराम के उल्लंघन से ध्यान भटकाना चाहता है? क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान और धार्मिक गुरु कादरी के चल रहे आंदोलन का असर बातचीत पर पड़ रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों में पाकिस्तान की दिलचस्पी इस मुलाकात का सबब है? और क्या हुर्रियत नेता सूबे में चुनाव के खिलाफ माहौल बना रहे हैं? हम बिलीव करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डायलॉग के लिए भी, और उसमें वो बायलैटरल टॉक्स आज तक जो भी हुए हैं तो वो उसका फेलियर हुआ है। हम समझते हैं कि ये ट्राइलैटरल होना चाहिए। हमने ये अपनी बात कही है। दोस्ती के बार बार बढ़ते हाथ भी जानते हैं कि पाकिस्तानी हाथ में खंजर होता है। सीज फायर का उल्लंघन तो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। बस एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम सीज फायर की बात नहीं करते हैं। 15 साल पहले दिल्ली से दोस्ती की एक बस पाकिस्तान के लिए निकली थी, लेकिन करगिल की खाई में गिर गई। इस बार वो दोस्ती पाकिस्तान की गंदी कूटनीति से नापाक हो रही है। आज तक ब्यूरो। आज अमर सिंह समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से मिले। अटकलों का बाजार गर्म हो गया।
सवाल उठा कि क्या अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी हो रही है। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के घर से निकलती इस कार के पीछे सियासी सवाल पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। कार में मुलायम सिंह के साथ अमर सिंह भी सवार थे। घर से दफ्तर तक के 200 मीटर के सफर में दोनों के बीच 2 मिनट की बातचीत ने वापसी की अटकलें तेज कर दी। मेल मुलाकात के बाद अमर सिंह सामने आए तो मूड बड़ा शायराना था। हंगामा है क्यों कर पा, मुलाकात ही तो की है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला है। दरअसल अमर सिंह और मुलायम की मुलाकात की पहल शिवपाल सिंह यादव ने की। घर के बाद पार्टी दफ्तर में मुलायम ने शिवपाल और अखिलेश को भी बैठक में बुला लिया और चारों के बीच लंबी चर्चा ने सियासी समीकरणों को हवा देनी शुरू कर दी। मुलाकात के बाद अमर सिंह का बयान बदले माहौल का संकेत भरपूर दे रहा था। जब भी वो सीधे बुलाएंगे और हमारे उनके बीच में कोई मध्यस्थ या दलाल नहीं होगा तो हमारे बीच में कोई दूरी नहीं। एक क्षण, एक पल, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब हमारा और शिवपाल का संबंध विच्छेद हुआ। और इस पूरे प्रकरण में पहल उन्होंने की दुबई से हंगरी जा रहा हूँ, बुडापेस्ट, ये मेरी आइटिनरी है। राज्यसभा जा रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाल बाहर किए गए अमर सिंह सियासी बियाबान में भटक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वो मुंह की खा चुके हैं और नवंबर में खत्म हो रही राज्यसभा सदस्यता का सवाल सामने खड़ा है। पिछले दिनों एक समारोह में खुद को मुलायमवादी बताकर अमर सिंह ने साइकिल पर सवार होने की घंटी टंटना दी। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।